लव जिहाद वालों की नहीं अब खैर, योगी के फैसले से मुसलमानों में भगदड़, विपक्ष के भी फूलने लगे हाथ पैर। लव जिहाद को लेकर यूपी की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद रोकने को लेकर अब योगी आदित्यनाथ सरकार और भी सख्त हो गई है, क्योंकि इसकी आड़ में चल रहे धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए पहले भी कई प्रयास किए गए। वहीं अब यूपी विधानसभा में लव जिहाद रोकथाम का एक ऐसा बिल पास हुआ है जिसके बाद न सिर्फ विरोधियों के पैरों तले जमीन हिल गई बल्कि विपक्ष के भी हाथ पैर फूलने लगे हैं। दरअसल बीते मंगलवार को विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत में ही सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक विधेयक लाकर साफ कर दिया कि सरकार इसके प्रति बेहद गंभीर है। लव जिहाद का ये बिल मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार यानी 30 जुलाई को पास हो गया। इसके तहत अब लव जिहाद पर आजीवन कारावास होगी। सरकार ने कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ा दी है। समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये एक तरह से कानून इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इनका सांप्रदायिकता का दिया बुझने जा रहा है। ये बीजेपी इसलिए हारी है क्योंकि इन्होंने महंगाई बढ़ाई, नौकरी नहीं दी और किसान को बर्बाद कर दिया। ये अभी भी उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर उनकी हार हुई है। ये जो कावड़ में तख्ती लगवाई थी और आज जो कानून ला रहे हैं यही उनकी भाषा है। बता दें कि इस बिल के तहत दोषियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान होगा। पहले से परिभाषित अपराधों में सजा दोगुनी होगी। कई नए अपराध जोड़े गए हैं, इसमें उम्र कैद की सजा होगी। अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतर के मामलों में FIR दर्ज करा सकता है। कुल मिलाकर अब यूपी में कोई भी पहचान छुपाकर या बदलकर लव जिहाद करेगा तो उसे पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। कहना गलत नहीं होगा कि जब से योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए हैं उसके बाद से उन्हें लव जिहाद करने वालों पर सख्त चेतावनी देते हुए देखा गया। जानकारी के लिए बता दी कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने साल 2020 में लव जिहाद के खिलाफ पहली बार कानून बनाया था। वहीं अभी तक इस कानून में अधिकतम 10 साल की सजा और 50,000 के जुर्माने का प्रावधान था। पुराने कानून के मुताबिक झूठ बोलकर धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराना अपराध माना जाएगा। अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा। हालांकि अब इस मामले की कार्रवाई पर पहले से ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। बहरहाल योगी के फैसले पर सपा मुखिया ने जो प्रतिक्रिया दी है उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।